भाद्रपद मास में कई विशेष व्रत त्योहार आते हैं। इन्हीं में से एक है हरतालिका तीज, जो भादों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत विवाहित महिलाओं और कुंवारी लड़कियों दोनों के लिए ही बहुत अहम होता है। सुहागिने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती। कहते हैं इस कठिन व्रत से देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार 29 अगस्त की दोपहर 3:20 से शुरू होगी और इसका समापन 30 अगस्त की दोपहर 3:33 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 30 अगस्त को रहेगी। इस दिन सुबह 6:05 से 8:38 तक और साय 6:33 से रात्रि 8:51 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज पर इस बार हस्त नक्षत्र भी रहेगा। शास्त्रों में हस्त नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना गया है। हस्त नक्षत्र हाथ के आकार की तरह होता है। इसमें 5 तारे आशीर्वाद की मुद्रा में नजर आते हैं। अखंड सौभाग्य और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए इस नक्षत्र में पूजा शुभ फलदायी मानी गई है। हरतालिका तीज पर इस बार व्रतधारी को ग्रह नक्षत्रों का विशेष वरदान मिलेगा। हरतालिका तीज व्रत करवा चौथ से भी अधिक कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि हरतालिका व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वहीं करवा चौथ में व्रत के दिन ही शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा प्रातः काल करना शुभ माना जाता है। अगर ये संभव ना हो सके तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा जाता है। पूजा के स्थान को फूलों से सजाएं और एक चौकी रखें। इस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद तीनों देवी देवताओं का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। तत्पश्चात माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं और भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाएं। अगले दिन ये सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को दान दे दें। पूजा के बाद तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज के दिन पूजा संपन्न करने के बाद 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिछिया का दान करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही पति के पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। आइए अब श्रवण करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा का। हरतालिका के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका अर्थात सहेली। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार माता पार्वती की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दे। अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की
और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत कर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।